Hello students, welcome to Pathway Classes. So today's topic is for higher education, current affairs of higher education for UGC NET for December attempt, right? So today's topic mein aaj hum discuss karte hain list of the fake universities given by the UGC. Abhi latestly UGC ne ek list ko matlab mention kiya hai UGC ki main official site pe. Wo kya hai? Fake universities list, jo ki important rahega for UGC NET exam for December attempt, right? तो आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए इस चीज़ को, इस टॉपिक को आप क्लियरली अच्छे से एक्सप्लेन मैं आज करूँगी आपको, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, राइट? तो अभी मैं सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूजीसी क्या है, व्हाट इज़ यूजीसी, व्हाट आर द रोल्स ऑफ, व्हाट आर द एम ऑफ यूजीसी, ठीक है? तो मेनली यूजीसी का क्या रोल है कि वो कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, फंड्स प्रोवाइड करता है यूनिवर्सिटीज़ को, इंस्टीट्यूशंस को, मेंटेन रखता है एथिक्स को, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस के ऑफर अ हायर एजुकेशन, ठीक है. और इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ है हमारा, न्यू दिल्ली में है, लेकिन इसके रीजनल सेंटर्स है जो कहाँ है, पुणे है, भोपाल है, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एंड बैंगलोर, ठीक है. और इसका एक और चीज़ है, इसका ये वैसे यूजीसी कब आया था, 1953 में आया था, लेकिन ये एक स्टेचरी बॉडी है जो कि एक्ट में आई थी, और ये कब आई थी, 1956 में आई थी, राइट. और किसके थ्रू आई थी, बाय एन इंडियन पार्लियामेंट, बाय द इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट के थ्रू आई थी. और इसका जो मेन मोटो है इसका क्या है, यूजीसी का, ज्ञान विज्ञान विमुक्त है, ठीक है. तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट अगर हम चलते हैं लिस्ट ऑफ द फेक यूनिवर्सिटीज़ इन दिल्ली, दिल्ली में 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं. सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ फेक जो हैं वो हमारी यूपी में हैं, वो है 8, और फिर दिल्ली में है, ठीक है. और बाकी जो भी और अदर स्टेट्स में अगर हम देखें तो 2-1 ऐसे हैं, ठीक है. तो अभी हम क्लियर करते हैं. सबसे पहले दिल्ली में अगर हम देखें, कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड पहली यूनिवर्सिटी हो गई फेक, सेकंड है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, थर्ड वन है हमारी वोकेशनल यूनिवर्सिटी, फोर्थ वन है हमारी ADR सेंट्रिक जुडिशियल यूनिवर्सिटी, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग फिफ्थ वन है, सिक्स्थ वन है विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, दिल्ली में है, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय 7th वन स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी. क्लियर हुआ, ये हमारी दिल्ली में जो 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मैंने अभी डिस्कस की है. तो आप लोग को ये 1-to-1 नेम्स तो आपको याद होने ही चाहिए कि दिल्ली में कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप मतलब जो फेक है, जो UGC की लिस्ट में आई हैं, ठीक है. नेक्स्ट हम चलते हैं केरला एंड कर्नाटका में. तो केरला में क्या है हमारी, सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी, ठीक है, केरला में है. और कर्नाटका में हम देखें तो बड़ा गनवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, एजुकेशन सोसाइटी, तो ये हमारी है, ठीक है, ये है कर्नाटका में. तो आप लोग को पता होना चाहिए 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब एक एक है केरला एंड कर्नाटका में. उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है 8 यूनिवर्सिटीज़. क्लियर हुआ, तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी क्या है, वाराणसिया संस्कृत विश्वविद्यालय पहली यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी है. सेकंड है महिला ग्राम विश्वविद्यालय या विद्यापीठ, राइट. और थर्ड है हमारी गांधी हिंदी विद्यापीठ, ठीक है. फोर्थ वन है हमारी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी, राइट. एंड फिफ्थ वन है हमारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है. सिक्स वन है हमारी उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, ठीक है. और सेवेंथ है हमारी महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय. एंड एट्थ वन है हमारी इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद. क्लियर हुआ. और मैंने एक साइड में नोट लिखा है, भारतीय शिक्षा परिषद जो है लखनऊ में, उसका यूपी में है मतलब, ठीक है. ये मैटर क्या करता है, सब जुडिशियल बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जज लखनऊ. क्लियर हुआ, मतलब ये क्या करता है, ये इसमें ये जो यूनिवर्सिटी है इसका एक नोट दिया गया है कि ये पहले क्या करेगी, अभी ये डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगी, उसके बाद UGC इसको देखेगी कि लिस्ट में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, ठीक है. तो ये पहले क्या करेगी, बिफोर द डिस्ट्रिक्ट, पहले ये क्या करेगी, डिस्ट्रिक्ट के पास जाएगी, डिस्ट्रिक्ट जज देखेगा मतलब इस यूनिवर्सिटी को. क्लियर हुआ, उसके बाद ये बाद में देखा जाएगा कि आगे प्रोसेस में होगा कि ये फेक है या नहीं है, तो इसको एक नोट में लिख दिया गया है. क्लियर हुआ, चलो अब नेक्स्ट में चलते हैं हम महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल. महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे पहली कौन सी यूनिवर्सिटी है, राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी है, एक ही है महाराष्ट्र में. वेस्ट बंगाल में जो है हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, ठीक है, कोलकाता में है. और अब हम दूसरी देखें तो इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, ये भी हमारी कोलकाता में है. क्लियर हुआ, 2 यूनिवर्सिटी हमारी कोलकाता में है,
और एक यूनिवर्सिटी जो हमारी है वो कहाँ है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारी देखिए उड़ीसा और पौंडीचेरी। उड़ीसा में दो यूनिवर्सिटी हैं, फर्स्ट क्या है, नबा भारत शिक्षा परिषद, क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी 22nd में अगर हम देखें सेकेंड यूनिवर्सिटी जो उड़ीसा में है, नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये भी हमारी फेक यूनिवर्सिटी है। और पौंडीचेरी में जो हमारी है वो क्या है, श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, तो ये भी हमारी फेक है। ये आप लोग को आज क्लियर हुआ, जो आज का टॉपिक मैंने कराया वो आप लोग को अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। आप लोग अच्छे से लिस्ट वगैरह मतलब नोट डाउन कर लो, या फिर ये जो स्लाइड जो मैंने आपको आज सेशन प्रोवाइड किया है, आपको जो वीडियो है वो आप सेव कर लीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे, क्लियर हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, और वन थिंग आई वॉन्ट टू से दैट इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ओके, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम UGC NET एग्ज़ाम, ठीक है। और कोई भी एग्ज़ाम, जैसे मैं तो अब सबकी प्रिपरेशन करवा रही हूँ, वैसे बेसिकली मैं करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करूँगी फॉर UGC और फॉर RRB JEE वगैरह के लिए भी मैं मतलब आगे धीरे धीरे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ, राइट, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए बेसिकली, क्लियर हुआ। तो मैं आप लोगों को मैं सारी प्रोवाइड सब वीडियोस वगैरह सेशंस वगैरह प्रोवाइड करूँगी, तो आप लोग मुझे बताइएगा, अगर आप मतलब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या फिर कुछ और आप लोगों को प्रोवाइड करना है, या कुछ टॉपिक वगैरह जो आपको आपको नीड है, मतलब जो आपको पढ़ना है मुझसे, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।